ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑब्लिक कलिशन का बेसिस क्या था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट को देख के और इनिशियल वेलोसिटीज के डायरेक्शन को देख के हम ये क्लासीफाई करते हैं कि क्या वो हेड ऑन होगा या ऑब्लिक होगा. आज हम ऑब्लिक कलिशन कर रहे हैं और इसका डिफाइनिंग फीचर क्या है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड इनिशियल लाइन ऑफ वेलोसिटीज आर डिफरेंट. अच्छा द फर्स्ट थिंग इसमें हो क्या रहा है, देयर इज अ बॉल विच विल गो एंड कोलाइड विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जाके कोलाइड करेगा राइट. तो ये आके जब ग्राउंड के साथ हिट करेगा तो ग्राउंड इस पे इम्पैक्ट लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, दिस इज द कोलाइडिंग फोर्स. ये जमीन पे लगाएगा नॉर्मल नीचे, एंड नॉर्मल क्या करेगा, सॉरी जमीन क्या करेगा, बॉल पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा. सो ये दोनों नॉर्मल जो है वो दोनों भाई भाई हैं, एक को एक्शन बुलाएंगे एक को रिएक्शन बुलाएंगे, याद आ रहा है कुछ, एंड दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. डू एग्री विद दिस? ओके फाइन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, न्यूटन ने कहा था कि जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ मोमेंटम चेंज होगा. डू एग्री विद दिस? बॉल पे लगा फोर्स वाई डायरेक्शन में, राइट, बॉल पे लगा फोर्स वाई डायरेक्शन. सो लेट अस से दिस इज द पिक्चर जस्ट बिफोर कोलिशन एंड दिस इज द पिक्चर जस्ट आफ्टर कोलिशन. जब आ रहा था तो वी स्पीड से आ रहा था, जब जा रहा है तो वी डैश स्पीड से जा रहा है. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द मोमेंटम अलोंग दिस डायरेक्शन, एम इन टू वी. तो इस तरफ एक कॉम्पोनेंट आएगा, इस तरफ एक कॉम्पोनेंट आएगा, एंड दिस विल बी एम वी कॉस अल्फा एंड दिस विल बी एम वी साइन अल्फा. बात समझ आए? लेट अस से ये थीटा एंगल बना के, ये एंगल थीटा है, तो इन दिस केस अगर ये एम वी डैश है सो दिस विल बी एम वी डैश. ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. डू एग्री विद दिस? ओके, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, ठीक है ना. ओके सो दिस विल बी एम वी डैश साइन थीटा और हम यहाँ पर लिख देंगे एम वी डैश कॉस थीटा. डू एग्री विद दिस? ओके नाउ अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और तुमको मुझे ये बताना है कि क्या ये सही है गलत है. मैं लिख दूंगा कि एम वी साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू एम वी डैश साइन थीटा. क्यों, क्यों ये सही है? एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ सर, नथिंग हैज हैपेंड अलोंग एक्स डायरेक्शन. जो भी हुआ वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में हुआ, फोर्स लगा तो वाई डायरेक्शन में लगा, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स. तो न्यूटन भैया ने क्या कहा था कि फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा. तो ठीक है, बढ़िया है. ये था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, दोनों क्या होगा सेम. इज दैट क्लियर? बदलेगा तो कौन बदलेगा? y direction का momentum, right? So if I talk about the change in momentum along y direction, m v final minus v initial, and you should be always be careful while putting the values because now you need to put the values along with because momentum एक vector quantity है, ठीक. So this is v f v i, so m into v final in this case ऊपर की तरफ है v dash cos theta, हाँ, so that is plus v dash cos theta माइनस, नाउ दिस इज वी कॉस अल्फा माइनस वी कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस वी कॉस अल्फा. बोलो समझ में आया? ओके बढ़िया. नाउ ये तो सबको समझ में आ गया. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि यहाँ लिखता हूँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस, राइट. अप्रोच किसको अप्रोच कर रहा है बॉल? ज़मीन को अप्रोच कर रहे हैं. अगर तुम बोलोगे सर अप्रोच हो रहा है, कौन किसको अप्रोच कर रहा है? इन दिस केस बॉल जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? ज़मीन को अप्रोच कर रहा है, करेक्ट. तो कौन सा वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द बॉल क्लोजर टू द ग्राउंड? इट इज़ नॉट वी, बिकॉज वी को अगर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखूँ, वी को हमने दो कॉम्पोनेंट में बांट दिया, वी साइन अल्फा वी कॉस अल्फा. जस्ट फॉरगेट अबाउट वी कॉस अल्फा, फॉरगेट अबाउट वी कॉस अल्फा है नहीं, सिर्फ वी साइन अल्फा है. वी साइन अल्फा कैसा है? हॉरिजॉन्टल. तो क्या ऐसे वेलोसिटी के लिए बॉल और जमीन के बीच का जो गैप है वो डिक्रीज होगा क्या? जस्ट फॉरगेट अबाउट वी कॉस अल्फा. सोचो बॉल के पास सिर्फ वी साइन अल्फा है, तो ये जो वेलोसिटी है ये बॉल को डायरेक्टली कैसे मूव करवा रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा है. ये वेलोसिटी बॉल को जमीन की तरफ लेके नहीं जा रहा, सो दिस वेलोसिटी कैन नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ?
क्योंकि अगर इस बॉल को कोई ज़मीन की तरफ लेके जा रहा है, अप्रोच करवा रहा है, वो कौन सा वेलोसिटी होगा? वही कौन सा अल्फा। समझ में आया? सिमिलरली ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक सेपरेशन में भी वैलिड है। बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वी डैश साइन थीटा हॉराइजेंटल है, ये बॉल को ज़मीन के पैरेलल मूव करवाएगा। बॉल को ज़मीन से अगर कोई कॉम्पोनेंट दूर लेके जा रहा है, दैट इज़ वी डैश कॉस थीटा। बोलो, टेंशन में तुम मार्क्स नाक में लगाने के लिए होता है यार, तू मुंह में लगा के बैठा है। इज दैट क्लियर? कोई शक, कोई डाउट? ओके, तो मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। आगे से ये तो फील है, इससे तुमको फील मिलेगा कि अप्रोच किसको बोलते हैं, सेपरेशन किसको बोलते हैं। लेकिन आगे से हम क्या याद रखेंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिस तरफ होगा उसी तरफ तुम्हारा जो वेलोसिटी है, आइदर इट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फिर से और एक बार, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिस तरफ होता है उसी तरफ की वेलोसिटीज को हम अप्रोच या सेपरेशन बुलाएंगे। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब क्या है? उसी लाइन के अलॉन्ग तो जा रहा है वो, और उस तरफ का जो वेलोसिटी होगा आइदर अप्रोच करवा रहा होगा या दूर लेके जा रहा है, राइट? सो इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल केस है, बिकॉज दो कोलाइडिंग बॉडीज में से एक तो ज़मीन है, ज़मीन तो रेस्ट में है, तो अप्रोच क्या होगा? उसका जो खुद का वेलोसिटी वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी रिटन एज वी कॉस अल्फा। साइन नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है ना? एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? बॉल को जमीन से दूर लेके जा रहा है, वी डैश कॉस थीटा, राइट? एंड यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, ई दिया हुआ है। एंड इफ तुमको याद है, ई इज डिफाइंड एज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय व्हाट? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट? और इन अदर वर्ड्स, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स अप्रोच। बढ़िया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा इन दिस केस? वी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ई टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिस वी कॉस अल्फा। कोई डाउट नहीं है ना? ओके, मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी ने मुझे उस दिन पेपर में ये डाउट पूछा था कि एक बॉल को मैंने एच हाइट से गिराया, ज़मीन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ, राइट? ओके, लेट अस से जस्ट हिट करने के बाद, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट बिफोर हिटिंग इसका वेलोसिटी मैंने वी मान लिया। एंड वी ऑल नो वी का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 2gh। इतना तो सबको याद रहना ही चाहिए। फ्री फॉल में एच हाइट कवर करने के बाद कितना स्पीड होता है? रूट ओवर ऑफ। कैसे निकाला? सर सिंपल है, वी स्क्वायर इक्वल टू प्लस ट्वाइस एस वी स्क्वायर, यू कितना है? जीरो स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच। तो वी का वैल्यू कितना है? रूट ओवर ऑफ 2gh। ये सब एग्जाम में नहीं करना, दिमाग में रखना है कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 2gh। तो अप्रोच कितने से किया? v से, करेक्ट? द बॉल इज अप्रोचिंग द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ व्हाट? v। टकराने के बाद कितने स्पीड से ऊपर जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज व्हाट? e टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर v से आया तो ऊपर कितने से जाएगा? e v से जाएगा। देखो e v से जाएगा मतलब e का वैल्यू तो 1 से कम होगा, तो इस केस में जितना ऊपर जाता सेकंड केस में उतना ऊपर नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर जब रिटर्न आएगा, राइट? अंडरस्टैंड, हिट करते वक्त कितना स्पीड होगा ईवी? हिट करने के बाद नेक्स्ट जब वो ऊपर जाने वाला होगा तो ई टाइम्स ऑफ ईवी हो जाएगा। मतलब एक पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा तुमको पैटर्न? वी था जब गया ईवी हो गया, अभी ईवी है तो जाते वक्त क्या हो जाएगा? ई टाइम्स ऑफ ईवी। फील आ रहा है? बस यही समझना है तुमको। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, जब हिट करने वाला होगा फिर से क्या होगा? स्क्वायर वी होगा। जब हिट करके फिर से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ई क्यूब वी। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इफ दिस इज एच, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एच डैश इन दिस केस? रूट ओवर ऑफ निकाल सकते हैं ना? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना होता है? जीरो। चलो एक बार निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना होगा? ई वी द होल स्क्वायर। कम ऑन, प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा? हाइट हम निकाल लेते हैं h डैश। सो दिस केस h डैश का वैल्यू कितना होगा? e v द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? 2g। तो ये हो गया e v द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। कोई डाउट? अच्छा, h डबल डैश का वैल्यू कितना होगा? यही पैटर्न होगा, यही तो पैटर्न होगा, है ना? अगर यहाँ पर e v है, जाता हुआ वेलोसिटी अगर ई वी है,
तेज रेस का वैल्यू ये है, यहाँ पर जाता हुआ वेलोसिटी कितना था ई स्क्वायर वी, तो यहाँ पर एच डबल डैश का वैल्यू कितना होगा ई स्क्वायर वी द होल स्क्वायर। तो मैं प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मैं बस प्रॉब्लम के सारे केसेस को दिखा रहा हूँ। वो तो प्रॉब्लम क्या था याद है किसी को? एन एथ रिबाउंड में कितना हाइट जाएगा, तो बस यू कैन फाइंड इट आउट राइट। सो दिस इज द फर्स्ट रिबाउंड, फर्स्ट रिबाउंड में ई वी स्क्वायर ई के ऊपर वन आ गया। दिस इज सेकेंड रिबाउंड, ई टू आ गया। एन एथ रिबाउंड में ई के ऊपर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, वी स्क्वायर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। उसके बाद को तो समझ में आ जाएगा, सिर्फ इस केस में तुमको पैटर्न को फॉलो करना है। कोई डाउट? डर गए क्या? सिंपल है, इसमें सिर्फ क्या है कि तुम बॉल को अगर वी से फेंकोगे कितने से रिटर्न आएगा, वो ई वी से रिटर्न आएगा, बाकी तो बस काइनेमेटिक्स का इक्वेशन से इक्वेशन यूज़ करना। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्लिक कोलिशन नहीं है, दिस इज हेड ऑन कोलिशन। फिर भी मेरे दिमाग में एक्चुअली करवा दिया, बिकॉज लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड इनिशियल वेलोसिटी आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मुझे लगा बताना चाहिए तो बता दिया मैंने। पॉज करो, ठीक है ना, बीच में टैप कर दे, टैप कर दे, फोकस हो जाएगा। ओके देखो, सो वी हैव दिस केस जहाँ पर दोनों बॉडीज का जो रेडियस है दे आर सेम, ठीक है ना, दोनों का रेडियस सेम है। ये डाटा ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ, दे आर अप्रोचिंग इच अदर, एक का 4 है एक का 2 है वेलोसिटीज, मास एक का 2 kg है दूसरे का 4 kg है। तो पूछा कि व्हाट इज़ द कॉमन वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कॉमन वेलोसिटी कहाँ नहीं याद है ना, हेड ऑन कॉलिशन में डिस्कस किया था, दोनों लोग टकराएंगे, एक वक्त आएगा कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। पूछा फाइनल वेलोसिटीज अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सब कुछ हम लोग फाइनली आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंक्लूड करेंगे कि क्या ये ऑब्लिक कोलिशन है या नहीं, राइट। सो अगर दोनों बॉडीज टकराएगा, वी हैव ऑल लर्नड इन NLM कि कोलाइडिंग फोर्सेस किस तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ, एक नॉर्मल इधर लगेगा, एक नॉर्मल इधर लगेगा, डू यू एग्री विथ दिस? सो ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो किया, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एंड जस्ट चेक द वेलोसिटीज 4 and 2, दे आर नॉट अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। 4 meters per second and 2 meters per second are the initial velocities and they are not along the line of impact, which means ये collision कैसा collision है? Oblique collision, ठीक, okay। अभी अगर मैं तुमको पूछूँ कि what is the velocity of approach, you cannot say 4 or you cannot say 2, because velocity of approach or velocity of separation, note में लिख कर रखना, is always measured along the line of impact। लिखा है ये line? इसके पिछले वाले डिस्कशन में मैंने बताया था ना, हाँ, ये तो इसमें भी साइड में लिख कर रख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच स्लैश सेपरेशन इज ऑलवेज मेजर्ड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, ओके। ठीक है ना, चलो इधर इधर, कम ऑन इधर। तो ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चाहिए, सबसे पहले हमको 4 का कितना टुकड़ा, कितना कंपोनेंट इस डॉटेड लाइन के अलोंग आ रहा है वो देखना पड़ेगा, और 2 का कितना कंपोनेंट इस डॉटेड लाइन के अलोंग आना पड़ेगा वो निकालना है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? ओके, सो द कैच इज दैट हमको एंगल्स नहीं पता। ये एंगल अगर पता होता तो 4 cos थीटा लिख देता, गेटिंग द पॉइंट। सो द नेक्स्ट चैलेंज इज कि एंगल निकालो, और वो हमको ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। देखो दोनों बॉडीज को हमने चिपका दिया, नाउ दे हैव जस्ट स्टार्टेड कोलाइडिंग, ये R होगा, दिस टू दिस क्या हो जाएगा 2R, ओके। तो मैंने अलग से यहाँ पर बना दिया, इस एंगल को हमने थीटा बोला। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम दिस डायग्राम? यस, कॉस थीटा, कम ऑन, दिस साइड इज इक्वल टू व्हाट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इज दैट क्लियर? तो R बाई 2R कितना हो जाएगा, हाफ, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, थीटा अगर 60 है तो भाई साहब ये तो 30 होगा, है ना। तो ये अगर 30 डिग्री है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा, दैट इज 4 cos 30, दैट इज 2√3, अरे दैट इज 2√3, हाँ या ना। अच्छा भाई ये 30 है तो ये भी तो 30 है, ऑल्टरनेट एंगल्स, सो 2 का ये कंपोनेंट कितना होगा,
टू कॉस 30 दैट इज रूट 3। बात समझ में आया? देखो 4 का दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट, 2 का भी दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट। इन दो वेलोसिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है। कुछ भी फोर्स लगा होगा, किस तरफ लगा होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग लगा होगा, उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। बात को समझो, अगर ये 4 है तो चलो मैं तुमको वैल्यू बता ही देता हूँ। अब दिस इज 4 एंड इफ दिस इज 2, इफ दिस इज 4 cos 30 दिस इज 4 sin 30, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। एंड इफ दिस इज 2 cos 30 दिस इज 2 sin 30 दिस इज व्हाट 1। टकराने के बाद भी फाइनली दोनों बॉल्स के पास इधर 2 होगा, इधर 1 ही रहेगा। अगर किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलेगा वो किस तरह बदलेगा? अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं बदलने वाला। पहले जितना वेलोसिटी, मैडम सपना नहीं देख रही ना? ओके, तो 2 and 1 विल रिमेन द सेम। ठीक है, याद है ये, तुम बाद में लिख के रखना वीडियो देख के। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से लिख के रखना। तुम लोग घर जाके फिर से वीडियो देखते हो क्या? तो और भी इसमें जो जो मैं चीज़ें कहता हूँ ना उसको अच्छे से नोट करके रख देना। बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, ऐसे करो ऐसे करो, उसको अच्छे से नोट बना के रखना। फिलहाल ना लग रहा है सी पहला वाला उसका अप्रोच कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 2√3, दूसरा वाला उसी की तरफ है विद वेलोसिटी ऑफ 3। एंड वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ऑलवेज मेजर्ड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये दिख रहा है ना बोर्ड? कैन यू टेल मी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा भाई? 2√3√3 भाई कितना होगा? 3√3। किसी को कोई डाउट? ये 5, ये 5, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 होता है ना? हाँ, तो वही वैसा ही चीज़ है। तो दिस इज 3√3 है ना? कोई डाउट? अच्छा, ये तो टकराने के पहले का पिक्चर है। भाई टकराने के बाद क्या वेलोसिटी होगा वो हमको नहीं पता। हम लोड भी नहीं लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे। हम क्या एज्यूम करेंगे? टकराने के बाद, इसी डायग्राम में बना रहा हूँ तो कन्फ्यूज मत होना। बनाओ इस डायग्राम में, अभी जो पिक्चर बनाऊंगा इस कलर से, दैट इज आफ्टर द कोलिशन। सो आफ्टर दिस कोलिशन ये वाला जो कंपोनेंट है, लेट अस से ये V1 बन गया, और ये वाला जो कंपोनेंट है उसको हमने V2 मान लिया, राइट? कोई डाउट? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ये वाला वेलोसिटी 2√3 से बदल के V1 हो गया, और ये वाला वेलोसिटी 3 से बदल के V2 बन गया। तुम्हारा चॉइस, मैंने दोनों इस तरफ मान लिया, चलेगा? सर व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट्स? दिस कंपोनेंट्स विल नेवर चेंज। टकराने के पहले जैसा था, टकराने के बाद भी वैसा ही रहेगा, इसलिए मैंने उसको बनाया भी नहीं। इज दैट क्लियर? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस? 1 को दिख रहा होगा, 2 भाग रहा है उससे, कितना होगा बताओ एक्सप्रेशन? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 minus V1, come on यार, क्योंकि इसको दिखेगा कि ये दूर भाग रहा है, इसको रेस्ट में लाने के लिए पीछे V1 लगाएंगे, इसमें भी पीछे V1 लगाएंगे, तो ये कितना दिखेगा? V2 minus V1। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, हो गया। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन E टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। So in this case, velocity of separation is V2 minus V1 is equal to E times the velocity of approach, that is 3√3. 3 को मार देगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा तुम्हारे पास? V2 minus V1, this is √3. बात को समझो, V2 and V1, this is after the collision. Because बीच में और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, कॉमन वेलोसिटी। मैंने पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फाइनल वेलोसिटीज। राइट टू अंडरस्टैंड यार, कॉमन वेलोसिटी के केस में मैं यहाँ पर V1 V2 नहीं लिखूंगा, इसमें भी V लिखूंगा, इसमें भी V लिखूंगा, करूंगा अभी। फिलहाल ये जो V1 V2 है, ये कब का वेलोसिटीज है? दिस इज आफ्टर द कोलिशन। इज दैट क्लियर? कितने वेरिएबल्स हैं? V1 V2 भाई 2 वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन कितने हैं? अभी तो एक ही लिखा है बोर्ड पे, और एक चाहिए ना, कहाँ से आएगा वो? मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन। किस तरफ? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, बिकॉज उसी तरफ अगर हम दोनों बॉडीज को एक साथ माने तो कोलाइडिंग फोर्सेस क्या हो जाएगा? इंटरनल, एंड वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो इफ यू कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन दिस केस,
तो ओके, इसका मास कितना था? 2 kg, है ना? इसका मास कितना था? अच्छा, तो लेट अस से हमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते, चलेगा? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो 2√3 उसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा। तो इनिशियल मोमेंटम, भाई बातें नहीं, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 2 × +2 इनिशियल मोमेंटम प्लस इस 4 kg का कितना है? 4 × इसका वेलोसिटी, या एग्जैक्टली दैट इज −√3। सो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट? एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? 2 × V1 + 4 × V2। डू यू एग्री विद दिस? अच्छा, ये कितना हो जाएगा भाई? 0। 2 × 2 = 4, 4√3 − 4√3 क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा 0 हो गया। हमको क्या मिला? V1 + 2V2 = 0। और वहाँ पर हमको मिला V2 − V1 = √3। यू कैन सॉल्व इट आउट। अच्छा, इसमें ना मैं और एक चीज़ भी लिख के रखता हूँ ताकि बाद में मुझे लिखना ना पड़े। दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट, और नेक्स्ट वाला बीच वाला स्टेट लिखूंगा मैं। कौन सा स्टेट? हाँ, जब दोनों का वेलोसिटीज क्या हो जाएगा? सेम। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो जब सेम हो जाएगा इसका भी वी, इसका भी वी, तो इक्वेशन क्या होगा भाई? है ना? TV + 4V, एंड ये क्या है? 0। तो 6V = 0, तो V = what? That means at the time of maximum deformation, जब दोनों का वेलोसिटी सेम था, सेम तो है ही, लेकिन कितना था? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं यार। सो कॉमन वेलोसिटीज इन दिस केस 0, वो हम बाद में करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, V1 V2 बाद का वेलोसिटी, V मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला वेलोसिटी, और ये सब तो इनिशियल वेलोसिटीज है, ठीक? अच्छा, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। अभी अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, प्लस V1 माइनस V1 चला जाएगा, V2 + 2V2 कितना आ जाएगा? 3V2, एंड V2 का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? −2V2, राइट? −2V2 कितना होगा? माइनस है, मतलब हमने जो डायरेक्शन माना है उसका उल्टा, दिस ये आ गया, ठीक है ना? अभी अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। कोई डाउट? दैट मीन्स एक वक्त आएगा ना कि दोनों का वेलोसिटी 0 हो जाएगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में। इसका मतलब क्या है? दोनों का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में 0 हो गया। देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा है, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी था वो, एग्जैक्टली सही बोला इसने, बिकॉज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में उनके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है? 0। तो कहाँ गया सारा काइनेटिक एनर्जी? इट इज कन्वर्टेड इन टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। सो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जो उनका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? पक्का? अच्छा, इसके बाद इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन पूछा है। ज़्यादा हो रहा है क्या तुम लोगों के लिए? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे निकाले? एक्सम इनिशियल स्टेज से कुछ याद है? दोनों में से किसी एक को देखो, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था वो देखो, और मैक्सिमम कंप्रेशन में कितना मोमेंटम है वो देखो। मैक्सिमम तो आसान हो गया ना आंसर, वी 0 हो गया। कम ऑन, पक्का? सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पीछे समझ में आ रहा है? तेरे को पूछ रहा। हाँ, बाकी अच्छा, एक काम करो, पॉज करो उसको, फिलहाल तो इसको लिखो आराम से, मुझे लगे फटाफट 2 मिनट। यहाँ पर पूछा है डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, और एक बार डिफॉर्मेशन कब हो गया? डिफॉर्मेशन कब तक होता है? जब तक दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है, राइट? और सेम जब होगा दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो बॉडीज आए, वेलोसिटी था, बड़ा हुआ वेलोसिटी था, टकरा के रेस्ट में आ गया, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। अब ये लोग रुक अगर गए हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में, तो एक भी काइनेटिक नहीं, कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना इनके पास, तो सारा का सारा डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आया? सो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है?
उनके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वही डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है. इज दैट क्लियर? यस सर. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम ऑन, वही कोई जल्दबाजी नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कह रहा हूँ, तुम क्या हाफ टू, ये फोर था ना, फोर स्क्वायर बोलोगे क्या? बिकॉज यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, जब ये लोग कोलाइड करके रेस्ट में आते हैं, मैं जब ये बोल रहा हूँ रेस्ट में आते हैं, ये सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला वेलोसिटी जीरो है, ये वाला वेलोसिटी तो अभी भी है. समझे? तो कंफ्यूज नहीं होने का. तो मैंने अगर बोला दबने के बाद पूरा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, द स्टेटमेंट मे नॉट साउंड करेक्ट बिकॉज दे स्टिल हैव वेलोसिटीज. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन इज दैट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वो वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो. सो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इनिशियल वेलोसिटी कितना था? टू रूट थ्री. ये रूट थ्री था. सो व्हाट वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट? हाफ दो के जी इंटू टू रूट थ्री द होल स्क्वायर प्लस हाफ चार के जी रूट थ्री द होल स्क्वायर. क्या सर, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्या? होगा. क्यों नहीं होगा? इस डायरेक्शंस में है. ये तो पहले भी था. yes. पहले जितना था अभी भी वैसा ही है. तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं. पड़ा किस में? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग. तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इनिशियली लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, दैट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी. इज दैट क्लियर? और ज्यादा बोलूंगा नहीं. ये तुम करके लेके आओगे. इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, सिंपल सा है. ठीक है, डन फॉर टुडे. ठीक है.